धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के चुनावी मैदान में आते ही अपक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां अनुपमा सिंह ने एक महिला को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी को आभार व्यक्त किया है, वहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिला है। धनबाद लोकसभा सीट काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने दल से कई धुरंधरों को पछाड़ते हुए पार्टी का विश्वास जीतने में कामयाब होकर टिकट पाया है। जहां भाजपा और एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि जो राम को लाए हैं जनता उन्हें सत्ता मिलाएगी, और मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए केंद्र में तीसरी बार लगातार सत्ता में आएगी। भाई बहनों का कर्तव्य है कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी को हम जिनके आदर्श पर पूरे भारतवर्ष के लोग चल रहे हैं, जो उनको लाए हैं फिर से हम लोग उनको लाएंगे। और मोदी जी को अति आवश्यक है आना, जिस तरह से पूर्व में सूरज निकलता उस तरह मोदी जी को आना भी तय है। ये पूरे 140 करोड़ देश के जनता ने ये ठान चुका है, मान चुका है, और फिर से मोदी जी अब की बार 400 सीट पार करके चुनाव जीतकर मोदी जी फिर सारे हैं। अगर कोई इंसान भगवान को ही हमसे बांट सकता है तो वो इंसान जनता को बांटने में कितना टाइम लगाएगा। राम जी हमारा कोई आज का पैदा हुआ इंसान या कोई प्रत्याशी या कोई उम्मीदवार नहीं है, राम जी हमारे भगवान है। जो हम लोग जब आंख खोले थे ना तब से हम लोग राम जी को मानते हैं, और राम जी कोई बीजेपी या कांग्रेस के बने हुए नहीं है। राम जी को बीजेपी ने नहीं बनाया है। इस तरह से तो कांग्रेस भी बहुत सारे भगवान को अपना बना सकती है कि मैंने ये मंदिर बनवाया, मैंने वो मंदिर बनवाया, तो आज शिव जी मेरे हो गए, दुर्गा माँ मेरी हो गई, ये सारे भगवान मेरे हो गए, सारा मस्जिद मेरा हो गया। इस तरह से तो कांग्रेस भी बोल सकता है, लेकिन ये राजनीति, ये जाति की राजनीति नहीं है। जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि इंसान तो एक ही होता है, वो सिर्फ एक ही जाति का हो सकता है, अनेक जातियों का नहीं हो सकता है।